लोक मंच कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को राम राम, भावा कंपटीशन सुनने वाले सब बहन भाइयों को राम राम। मनसामल तुमने ये कहकर कि अपने याने बालक को तो अपने साथ लाया है, इसका क्या कारण है? मेरा कलेजा हिल गया है मेरे यार मनसामल, मेरा कलेजा हिल गया है और मेरी जीभ तुतलाने लगी है। दोबारा पूछो, आराम से पूछो, सहज सहज पूछो। इकलौते बेटे चंद्रगुप्त को 200 रुपए के बदले तुम्हारे पास गिरवी धरने आया हूं। लेकिन ताराचंद, तूने ये बात कह करके इस मनसामल का कालजा चीर दिया है। आज रकम के बदले तू अपने बेटे को गिरवी रखने के लिए मेरे पास, इसलिए अपने बेटे को लेकर के आया हूं मनसामल कि कहीं और ज्यादा टोटा आ गया और मैं इस 200 रुपए को कहीं पटा ना पाता। लेकिन बेटे को वापस नहीं ले जाऊंगा, ये बेटा तुम्हारे पास रहेगा। ताराचंद, ऐसी बातों को कह करके तू मुझे नीचा दिखा रहा है? अरे जितनी धन माया इस मनसामल के भंडार में भरी हुई है समझ ले ताराचंद की है। मनसामल, मनसामल, मेरी बात को समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो मेरे मित्र, समझने का प्रयास करो, सुन ले मेरी बात। धरे बिना मेरे मन में सबर ना आवे। अरे बेटा गिरवी धरे बिना मेरे मन में सबर ना आवे। हे माड़ी बात करे इतना क्यों नीचा मन दिखावे? परन निभायारी कर मेरा मत ना जिगर दुखावे। अरे परन निभा चाहिए 200, मैं हो जवान चाया रे। 200 रुपये मैं बेटे ने गिरवी धरने आया रे।
तारा चंद, मुझे धनमाया नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा दौलत नहीं चाहिए, केवल मात्र 200 रुपए। और मैं बार बार तुझे कह रहा हूँ, चाहे तू कितनी बार कहे जा इस बेटे को गिरवी धर ले, लेकिन मैं गिरवी नहीं रखूंगा। मेरे यार, तू मेरा यार है और यार के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। पैसे की तो बात क्या है मेरे यार, यारी का फर्ज होता है कि यार की बात को मानना। तारा चंद, तू मन संभल, और तारा चंद की बात को तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। यदि यार है, मेरा मित्र है, सच्चा यार है, तो मेरी बात को कबूल करना पड़ेगा। मेरे बेटे को गिरवी जरूर धरना पड़ेगा मनसामल, लेकिन तारा चंद गिरवी धरे बिन मैं पैसा नहीं ले जा सकता। और मैं तुझसे कह रहा हूँ, तुझे जितनी रकम चाहिए, तू 200 रुपए की बात कर रहा है, जितनी तुझे रकम चाहिए तू ले जा, लेकिन अपने बेटे को गिरवी मत रख मेरे पास। सुन ले मेरी बात को, सुनाइए। यत्र करे आए बेटा गिरवी धर के जाओ, कितने यत्र करे जा। हे यार करे जा कांपे डगमग, हे यार करे जा कांपे डगमग, होड़ना गिरही काया, साथ निभा दे बिगड़ी में, मेरा साथ निभा दे बिगड़ी में, टूटे ने घना सताया। आदरणीय चमन प्रधान जी के लाडले सपुत्र आकाश प्रधान जी, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान हमारा कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। मनसामन, मुझे जो वक्त यहां तक खींच करके लाया है, ये मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन मैं, मुझे एक ही बात का अचरज है, एक ही बात का अफसोस हो रहा है कि जो सेठों में बड़ा सेठ नामी सेठ तारा चंद हुआ करता था, आज ये वक्त ने पलटा कैसा मारा है। मनसामल, याद रखना, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो आगे नहीं होगा। समय बड़ा बलवान है, मैं तो केवल तुम्हारे पास जो आया हूं, जो समय ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, मुझे 200 रुपए की जरूरत है। ए मेरे प्यारे मित्र, ए मेरे दोस्त, ए मेरे सखा, तेरी दुर्दशा ये हुई कैसे है, पूछोगे तो बताऊंगा। सुन ले मेरी बात को, होश होया से हरी हमने भगा लिया, आगे होया से। और देख दुर्दशा तेरी प्यारे, मेरे मन में रोष होया से। दान पुण्य कर दिए बंद, मन दान पुण्य कर दिए बंद, खुद मेरा दोष होया से। दान पुण्य कर दिए बंद, खुद मेरा दोष होया से। और अगर दिल में
साथ मेरा तन्ने नहीं निभाया, मैं मर जाऊं जो दिया साथ ना तन्ने नहीं निभाया। मनसामल ये मेरा इकलौता लाडला पूत है, इसे ये महसूस ना हो जाए कि तुम इसके माता पिता नहीं। लेकिन ताराचंद, मैं जानता हूं कि तेरा इकलौता पुत्र है और तू अपने आप को संभाल सकता है, लेकिन मेरी भाभी दयावती का क्या होगा जिसने पेट फाड़ करके जाया है? मां की ममता क्या कहेगी जब उससे उसका पुत्र बिछड़ जाएगा? लेकिन मैं इस विपदा को कैसे जवाब दूंगा कि तू मेरे ऊपर किस तरह से कहर बन के टूटी है? भाभी का जिक्र मत करो, इस विपदा का जिक्र करो। मेरा जो मन है इस बेटे में है, ये राजघराने में पला है ताराचंद, इसे उसी तरह से रखना। मैं चाहता तो ये था कि तू इसे वापस ले जा और जितना धन माल चाहिए वो भी ले जा, लेकिन मुझे पता है कि तू बड़ा खुददार है, तू कुछ ना कुछ देना चाहता है, खाली हाथ पैसे लेकर के नहीं जाएगा। लेकिन मेरे यार, अगर तू जिद पैदा हुआ है कि तुझे 200 रुपए चाहिए और बेटा गिरवी रखना है, बेटा तो गिरवी रखना ही पड़ेगा, तो इसे छोड़ दे मेरे पास। कुछ कहना चाहोगे? कहना चाहता हूं बड़े लाड और प्यार से तेरे बेटे को मैं पालूंगा। आइए मेरी बात कर। Give me the name.